जय भैरव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फिंगर का रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एग को स्टीम करना है। तो इसके लिए मैंने एक फ्लैट वाला बर्तन लिया है, इसमें भी ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। आप स्टील की थाली में भी ये प्रोसेस कर सकते हो। चौड़ा वाला थाली ले लेना और इसमें ऑयल ग्रीस कर देना। अंडा में मैंने 11 अंडा लिया है और इस रेसिपी का करी भी बनता है तो इसीलिए मैंने ज़्यादा लिया है। आप कितना फिंगर बनाना चाहते हो इस तरह से आपको ऐड करना है अंडा। अभी ना मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स और अनियन ऐड करने वाली हूँ। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। सारे इन्ग्रीडियंट्स का एक पेस्ट बना लेना और इसमें ऐड कर देना। अभी मैं ऑर्गेनो ऐड करने वाली हूँ और इसके साथ आप पिज़्ज़ा सीजनिंग में ऐड करने वाली हूँ। आप ऐड कर सकते हो, उसकी भी कर सकते हो। आप गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हो। अभी मोल में मैं सेट कर लूँगी अंडा को। आप अच्छे से आपको फेंटना है, इसके बाद मोल में आपको सेट कर लेना है और फिर स्टीम करने की बारी है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी ऐड कर दिया, एक आपको रिंग ऐड कर देना है और फिर ढककर रखना है। 20 मिनट भी हो जाता है या 15 मिनट भी लगता है। अंडा को ठंडा होने देते हैं क्योंकि आप गर्मा गर्म इसे डिमोल्ड करने जाओगे तो ये टूट जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। एक स्लरी बना लेते हैं जिसमें हम डीप करेंगे और फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके साथ मैंने ऑर्गेनो रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है। आपको तीखा खाना पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना और इसके बाद आपको पानी ऐड करके एक घोल बना लेना है। और कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा। और इसके बाद आपको अंडे को कट करना है डीमोल्ड करके। और गाइस, क्या है कि ये जो अंडा का रेसिपी है आप करी भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप कट करके, जैसे कि पनीर का पीसेस हम करते हैं ऐसे भी आप पीसेस करके करी बना लेना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए अभी फिंगर शेप का कट कर रही हूँ और इसके बाद डीप करूँगी स्लरी में। कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स लिया है, हाथों से मैं क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो बिस्किट क्रम्स या ब्रेड क्रम्स के साथ भी ये प्रोसेस कर सकते हो, पर आपको क्रिस्प ज़्यादा खाना पसंद है तो आप कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स ज़रूर लेना गाइस, बहुत ही क्रिस्प बनता है। और आप लोग देख पा रहे हो कि डबल कोटिंग मैं कर रही हूँ, ऐसे आप करोगे तो बहुत क्रिस्प बनेगा। तो ऐसे ही आपको स्लरी में डिप करना है और फिर कोटिंग करना है, फिर से आपको स्लरी में डिप करना है और फिर आपको कोटिंग करना है, इसे ही डबल कोटिंग कहते हैं। ऐसे आप करोगे बहुत ही क्रिस्प बनेगा। सभी जो फिंगर्स है इसे मैं रेडी कर लूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। 15 या 20 मिनट के लिए आप रख सकते हो। आप स्टोर करके भी रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में 2-3 दिन के लिए, पर स्टोर करके खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। घर पे आप बना रहे हो, घर की खाना खा रहे हो तो स्टोर करके क्यों खाना है। पर आपके घर में मेहमान आए या आपके पास टाइम कम है तो आप स्टोर करके रख सकते हो। वैसे ना मैं स्टोर करके खाना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए किसी को कहती नहीं हूँ। और आपने देखा कि अंडा को मैंने तोड़ लिया है, इसमें मैं डीप करूँगी, कुछ तो मैं ऐसे करूँगी। तो आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर के घोल के बिना भी आप डीप करके कर सकते हो एग से। तो अभी फ्राई करने की बारी है। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और धुएँदार गरम तेल में आपको फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रखकर आपको फ्राई करना है। हल्का गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है, उलट पलट के हल्का गोल्डन हो जाए इसके बाद आपको निकाल लेना है। गर्मा गर्म आपको इसे सर्व करना है। आपके घर में पार्टी हो या कोई ओकेशन हो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी रेसिपी है गाइस। आप टोमेटो सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर मेरा एग फिंगर का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, आपका लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।